Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. मुझे एक बड़ा फिल्म गाना याद आ रहा है कि मैं तो वही ठहरा हुआ हूँ जमी चलने लगी मैं क्या करूँ तो मैं तो उसी कुर्सी पर बैठा हूँ वो साथ वाले जिनको मैं रोज कहता था भाई राम जी को गालिया मत दो कहते किससे थे ऐ, बहुत क्या वो आ, लोग सुनते नहीं थे उन लोगों से कहते थे आपने खो खो गेम खेला हाँ हाँ बिल्कुल खेला है मैं जिसके पास जाता हूँ मुझे अगला खो कर देता अभी जैसे सी डब्ल्यू सी के मेंबर्स है छुपे हुए हैं कांग्रेस ऑफिस ही नहीं जाते हैं पता है क्यों अभी चल अरे किसी ने देख लिया टिकट पकड़ा देगा आपकी मौजूदा पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ करती है गौरव वल्लभ का एग्जाम्पल उसका आंसर है ना सर एनी बडी कैन से गौरव वल्लभ क्यों आया क्या आप उन लोगों में शुमार हैं कि जो कहेंगे कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है मैं ये कह रहा हूं कि आप अमेठी तक चले गए पर अमेठी से आगे निकल गए ट्रैप में आप गए जिसको उदयपुर में तैयार किया गया मैंने हारने की एक रिपोर्ट बनाई चार पेज की मेरे लैपटॉप में अभी भी मुझे क्या लगा कि लीडरशिप पूछेगी और पूछना चाहिए वो मेरे पास ही पड़ी है अभी किसी ने नहीं मांगी ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ जितने मेरे वोट आए उदयपुर में आज तक कांग्रेस के किसी नेता के नहीं आए आज तक आप वहां से जीत जाते तो भी आपका यही कदम हो हंड्रेड परसेंट विदाउट फेल कांग्रेस में आपको टॉप लेवल तक हर नेता के साथ एक्सेस था क्या बीजेपी में भी है आ, बिल्कुल है क्योंकि गौरव वल्लभ को कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं चाहिए राहुल गांधी के साथ आपको छह साल में काम करके कैसा लगा जो देश के लोगों के दिमाग में कि ये लोग कांग्रेस के निर्णय करते होंगे वो एक भी निर्णय नहीं ले रहा निर्णय तीन लोग ले रहे हैं वो बराबर के दोषी है अगर वो मौन स्वीकृति दे रहे इन तीनों को जो कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था वहां पर कांग्रेस नहीं गई आप गए मैं जाके आया और अभी सब पत्नी फिर जाऊंगा मैं तो गया पर मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूँ मैं तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं था ना ये सनातन वाली आत्मा इतनी देर से क्यों जागी आपकी आत्मा जागी नहीं आत्मा जागी भी थी सितंबर 2023 में पहली बार गालियां चालू हुई जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि गौरव वल्लभ मीडिया के सामने ये आकर नहीं कह पाए कि मैं सनातन का जब जब तक पार्टी में है पार्टी के डिसिप्लिन के लिए जब पंजाब से किसान आ रहे थे बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए सारी जगह ब्लॉक कर दी गई क्या वो सही था उनकी जो बातें हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनके बारे में सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी लॉ एंड करने की तो में में मैं मैं बीजेपी अपने पर है। मैं आपको दो स्टेट का बताता हूँ कोई बिहार के एक रीजनल पार्टी के हेड ने बोल दिया कास्ट सेंसस उठा लो पोलराइज हो जाएगी कास्ट इस पे बात करते हैं जब अडानी को सेबी से क्लीन चिट मिल गई अब बस करो जब अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई अब बस करो हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ सकता आई ऑलवेज रिमेंबर वन कोर्ट बाई रतन टाटा कि मैं जब किसी सी का इंटरव्यू लेता हूँ तो बस एक चीज टेस्ट करता हूँ कि मेरे से स्मार्टर है कि नहीं क्योंकि मुझे मेरे से ज़्यादा स्मार्टर लोग चाहिए तभी तो वेल्थ क्रिएट होगी मान लो आपने कहा गौरव जी चाय नहीं पीते तो मैंने आपके सामने पी ली अब आप कल से बोलना गौरव जी चाय पीते हैं नमस्ते मैं अभिचल दुबे न्यूज़ तक के इस मंच पर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ कहा जाता है कि जिंदगी के रंग बहुत तेरे कभी तेरे कभी मेरे यानी कि लगातार बदलाव जो है वो ज़िंदगी की एक उपासना है करते रहना चाहिए अब इसको मैं इलेक्शन के दौरान क्यों कह रहा हूँ क्योंकि इलेक्शन में रंग अनेक जो हैं वो आपको मिलते रहते हैं एक रंग जो है वो लगातार पॉलिटिकल पार्टीज़ और नेताओं के बीच का भी मिलता है आज हमारे मंच पर जो मंचीन अतिथि हैं वो ख़ास हैं क्योंकि कुछ रोज़ पहले परिचय अलग था आज बदल गया है बदलते रहने ही जो है ज़िंदगी का दस्तूर है आज हमारे मंच पर हैं प्रोफेसर गौरव बल्लभ जी प्रोफेसर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आप आए हैं पहले जब आए थे तब आप कांग्रेस के नेता के रूप में थे आज आप बीजेपी के नेता के रूप में हैं तो ये बदलाव की जर्नी सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कैसा लग रहा है स्वाद कैसा आ रहा है देखिए मैं तो उसी कुर्सी पर बैठा हूँ जहाँ पहले बैठा था मेरे साथ वाली जो कुर्सी पर लोग बैठे थे वो बदल गए मैं नहीं बदला हूँ मैं तो इसी कुर्सी पर बैठा हूँ मैं तो जब आया था राजनीति में दो में तब भी कहता था कि धर्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा तब भी कहता था कि गाली गलोच से राजनीति आगे नहीं बढ़ सकती तब भी कहता था कि वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता हूँ तब भी कहता था कि पीवी वी नरसिम्हा राव साहब की लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री थे उस नीति की आलोचना नहीं कर सकता तब भी कहता था कि भगवान श्री राम का अपमान ना तो देश सहन करेगा ना तो ये पॉलिटिकली करेक्ट है ना ये ये रिलीजियसली करेक्ट करे, इश्यू है ये सिर्फ पाप का भागी बनाएगा तो मैं तो उसी कुर्सी पे बैठा हूँ मुझे एक बड़ा फिल्में गाना याद आ रहा है कि मैं तो वहीं ठहरा हुआ हूँ जमी चलने लगी मैं क्या करूँ तो मैं तो उसी कुर्सी पर बैठा हूँ वो साथ वाले जिनको मैं रोज़ कहता था भाई राम जी को गालियाँ मत दो उससे तुमको पॉलिटिकल प्लस माइनस तो एक अलग चीज़ है पर पाप और पुण्य अलग चीज़ है मैं उसमें फर्म बिलीव करता हूँ मैं तब भी कहता था कि सनातन की की गाली को मौन स्वीकृति नहीं दे सकते कोई गाली दे रहा है आप यहाँ पे उसको स्वीकृति दे रहे हो मौन रह के देश इन चीज़ों को स्वीकार नहीं करेगा और पॉलिटिकली बात नहीं करी मैंने हमेशा दिल से बात करी तब भी कहता था कि जब अडानी को आ, सेबी से क्लीन चिट मिल गई अब बस करो जब अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई अब बस करो हर वेल्थ क्रिएटर को गाली देने से देश आगे नहीं बढ़ सकता तब भी कहता था कि जब एयर इंडिया को टाटा ने खरीदा तो टाटा समूह को गालियां देना बंद करो तब भी कहता था कि कोई अगर बिजनेस हाउस बॉम्बे में सरकार की तारीफ करता है तो उसको आप अपना दुश्मन मान लेते हो इस ये, ये देश के लिए स्वीकार्य नहीं है मैं तो वहीं बैठा हूँ अभिचल जी मेरे जो साथ वाले बैठे थे वो आज मोदी जी को गाली देते 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 उस अवस्था में आ गए हैं कि वो अपनी स्वयं की पुरानी नीतियों को गाली दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं उसका विस्तार से जवाब आपके अगले दो तीन चार सवालों में जब भी मौका लगेगा दूंगा प्रोफेसर साहब आपने तमाम चीजें गिनाई कि आप तब भी वही कहते थे जो आज कह रहे हैं लेकिन तब कहते किससे थे बहुत क्या वो आ, लोग सुनते नहीं थे उन लोगों से कहते थे देखिए मैं आपको बताऊं मैंने चार अप्रैल को कांग्रेस से इस्तीफा दिया प्राथमिक सदस्यता से उससे पहले चार महीने तक आपने मुझे टीवी पे देखा अभी चल नहीं क्योंकि आप चुनाव, तो नहीं, आप चुनाव हार गए तो शायद नहीं हार हार जीत क्या होती है हार जीत तो चुनाव तो कांग्रेस पार्टी हारी है उसके बारे में आपके अगले सवाल में उत्तर दूंगा और दिल से बताऊंगा क्या हुआ था तो हार जीत नहीं मैंने कहा और बजट पे आपको ध्यान नहीं अभी चल पिछले पिछले पाँच वर्षों से बजट पे कांग्रेस की प्रेस वार्ता कौन करता है क्यों नहीं करी मैंने इस बार मैंने कहा कि जब तक भगवान श्री राम के दर्शन करने नहीं जाओगे मैं आपके लिए टीवी पर नहीं बैठूंगा क्योंकि अगर एंकर मेरे से पूछ ले आप क्यों नहीं गए और उस समय मैं लज्जित होकर आ जाऊं लज्जित होने के लिए राजनीति में नहीं आया था एंकर मेरे से पूछ ले अविचल जैसा एंकर कि साहब सनातन को गालियां पड़ रही है आपके नेता दे रहे हैं आपके अलायंस के नेता दे रहे हैं आप यहाँ दिल्ली में मौन स्वीकृति दे रहे हो आंखें झुका के सिर झुका के बाहर निकल जाऊं ऐसा लज्जित होने का काम अपने अब मैं नहीं करूंगा कांग्रेस पार्टी प्लस माइनस गुणा भाग करें मुझे नहीं पता पर कुछ चीजें अनकॉम्प्रोमाइजेबल अनगोशियेबल अन आर्ग्यूएबल होती है और मेरे लिए मेरे धर्म को गाली और जब मैं कहता हूं अविचल के धर्म को गाली इट डजेंट मीन कि मैं दूसरे धर्म को गाली दूं मैं मैं ये इसमें भी विश्वास नहीं रखता हूं जब मैं कहता हूँ प्रभु श्री राम का अपमान मैं ये भी नहीं कहता कि मेरे प्रभु श्री राम का तो पूजा जाए और दूसरे भगवान के अपशब्द मैं उसमें भी विश्वास नहीं करता हूँ मैं ये भी विश्वास नहीं करता क्योंकि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ मैं ये मानता हूँ कि इकोनॉमी के ओपनिंग अप होने के कारण मैं बैठा हूँ अगर इकोनॉमी ओपन अप नहीं होती प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन नहीं होता तो मैं भी आज कोई गांव में छोटा सा काम या एक परचूने की दुकान लगा के बैठता उनको मैं वेल्थ क्रिए उनको भी वेल्थ क्रिएटर मानता हूँ क्या हम सारे जैसे जितने यूनिकॉर्न बने सबको गालियाँ देवे अरे जब तक वेल्थ ही क्रिएट नहीं होगी देश में जीडीपी कैसे बनेगी जब वेल्थ ही क्रिएट नहीं होगी तो देश में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा वेल्थ का ये सारी बातें अभी चल मैंने कांग्रेस के हर नेता और जो नेता आपके दिमाग में आ रहे हैं जो क्योंकि मेरे को एक्सेस की प्रॉब्लम नहीं थी मैं आपके कैमरा पे बोल रहा हूँ मैं जिससे जब मिलना चाहूँ मैसेज करना चाहूँ करा सकता था मैंने हर नेता को जाके ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के कहा जैसे मैं नौकरी मांगने आया हूँ साहब सनातन पे गाली पे चुप्पी तोड़ो साहब साहब भगवान राम के दर्शन करने जरूर जाओ साहब बोले साहब वो इवेंट हो रहा है हम उस इवेंट में नहीं जाएंगे मैंने तीन महीने इंतज़ार किया और मेरा सब्र का बांध जब टूटा जब आप अमेठी जाया है और पचास किलोमीटर दूर नहीं जा सकते मैं मेरे देश के लोगों को युवाओं को मेरे चाहने वालों को क्या जवाब देता मैं आपको एक बहुत वास्तविक बात बताता हूँ जिस दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी मैं उदयपुर था मेरे कम से कम ये फ़ोन के अंदर सौ कार्यकर्ताओं के मैसेज हैं कि भैया शर्म के मारे घर से नहीं निकल पा रहे मैंने कहा क्यों बोले भैया बाहर निकले तो भैया पूछेंगे क्यों नहीं गए तो मैंने कहा तुम कुछ मत करो सब इकट्ठे हो मैं अखंड रामायण का पाठ कराऊंगा मेरे ट्विटर टाइमलाइन में भी हो आप देख लेना हमने उस दिन इन पाप इन पापियों के पाप का प्रायश्चित किया कि भैया इनको माफ़ करो इनको इनको भगवान राम इन पे इनको इनको इनपे इनको पाप का भागी मत बनाओ हम इनकी तरफ से हाथ जोड़ते पर आप कुछ समझ नहीं, नहीं चाहते देखिए गाली गलोच से देश आगे नहीं बढ़ सकता आप अविचल आगे बढ़ गया और मैं अविचल मान लो किसी और व्यक्ति के साथ जुड़ गया किसी और व्यक्ति का प्रशंसा करने लगा उस प्र, उस व्यक्ति की आइडियोलॉजी मुझे पसंद नहीं है तो क्या मैं अविचल को गालियां देना चालू कर दूं प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने से देश आगे नहीं बढ़ सकता ये कांग्रेस में रह के बोलने की हर स्तर पर बोलने की ताकत मेरे में थी और मैंने बोला है, क्योंकि मैंने कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन करी उनके चालीस प्लस दो बयालीस सांसद थे मेरे प्रोफाइल के साथ अविचल में कहीं भी जाता जिस राजनीतिक दल पे जाता मैं मेरे, मेरे को दिक्कत नहीं आती पर मैंने ये सोचा देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी में नए लोगों की नए आइडियाज़ की एस्पायरिंग इंडिया के आइडियाज़ की जगह होगी पर आपने कहा आपने किस किस को बताया मैंने सब को बताया पर प्रॉब्लम ये है मेरे को आपने खो खो गेम खेला हाँ हाँ बिल्कुल खेला मैं जिसके पास जाता वो मुझे अगला खो कर देता मैं दूसरे के पास जाता वो दूसरा भी खो कर देता और मैं ही मैं ही चक्कर लगा रहा था बाकी सब बैठे थे लाइन में देश के लोगों के दिमाग में कि ये लोग कांग्रेस के निर्णय करते होंगे वो एक भी निर्णय नहीं ले रहा है निर्णय तीन लोग ले रहे हैं पहले का डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ नाम इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि एथिकल आदमी हूँ शिक्षक हूँ जिनके साथ छः वर्ष काम किया अब उनका नाम लेके उनको लज्जित करूँ ये मेरी शिक्षा या मेरी परवरिश का हिस्सा कभी नहीं था एक ऐसा आदमी है जिसने भगवान श्री राम के और नहीं जाने का प्रेस नोट दिया देश को वो आदमी ने जीवन में कभी क्लास के मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा अब मॉनिटर का चुनाव लड़े नहीं और आप राजनीति करने आगे अरे भाई चुनाव नहीं लड़ते तो राजनीति किस चीज़ की वॉट यू वॉट ये तो वैसी बात हो गई प्रोफेसर बोल रहा है मेरे को क्लास में जाने से डर लगता है अरे क्लास में जाने से डर लगता है तो भाई प्रोफेसर नहीं बन सकते और डॉक्टर बोल रहा मुझे ओटी में घबराहट होती है अरे भाई ओ में घबराहट होती है तो बाहर बैठो यू आर नॉट फिट फॉर ए डॉक्टर भारतीय सेना का जवान बोल रहा मुझे बंदूक चलाने में घबराहट होती देन यू आर नॉट फिट फॉर ए सर्विंग मदरलैंड आप देश सेवा के लिए फिट नहीं हो तो एक जो व्यक्ति जो भगवान श्री राम का जिसने अपमान किया वो व्यक्ति ने जीवन में क्लास मॉनिटर का चुनाव लड़ा नहीं चार बार चार बार कितने हो गए एक साल में एक एक टेन्योर में छह साल होते हैं राज्यसभा के चार बार से राज्यसभा में कितने साल से है चौबीस साल से मैं जब कॉलेज में पढ़ता था ना अभी चल तो अब मैं उसको टीवी पे देखता था मैं कॉलेज में छोड़े मैं आई लेफ्ट माय कॉलेज इन 1997, 98। बट स्टिल ही इज ऑल कमिंग ऑन टेलीविजन अरे उसमें ताकत होती तो बयालीस में क्यों आते है अगर उसको देश पसंद करता है तो बावन पे कैसे आते और जो लोगों का ग्राउंड कनेक्ट नहीं होता ना वो निर्णय ले ही नहीं सकते अगर जैसे आपका तक का कोई एडिटर है अगर वो रिपोर्टर नहीं रहा हुआ है तो वो रिपोर्ट क्या जर्नलिज्म होता है वो समझ ही नहीं पाएगा वैसे के वैसे पॉलिटिकल पार्टी में बिना चुनाव के कुछ भी नहीं होता ठीक है. है दूसरा आदमी है अभी चल जो टिकटों पे अपने हस्ताक्षर करता टिकट देता है तो अभी चल लड़ेगा यहाँ से आप लड़ेंगे पांडे जी लड़ेंगे वहाँ से ये लड़ेंगे वहाँ से मैं मैं तुम्हें गारंटी लेता हूँ अभी चल आई मतलब इफ दिस थिंग इज़ प्रूव्ड व्हाट एवर ही सेज इज़ करेक्ट व्हाट एवर आई एम सेग इज़ रॉन्ग मैं कैमरा के सामने बोल रहा हूँ अगर वो उत्तर प्रदेश के पाँच लोकसभा क्षेत्र का नाम बता दे पाँच एक मिनट के अंदर वो क्या बताएगा पता है रांची अहमदाबाद सूरत उदयपुर और पांचवा हैदराबाद यह ज्ञान है उसका अभी ये मेरा सवाल सुनने के बाद भी नहीं बता पाएगा ये ये आपका प्रोग्राम जरूर देखेगा वो वो ये सुनने के बाद उसको आप तैयारी करवाओगे तो भी नहीं बता पाएगा आप समझ लो एक मिनट का समय देना उसको दस सेकंड में नहीं एक मिनट जिस आदमी को उत्तर प्रदेश और बिहार का ही अंतर नहीं पता वो टिकट दे रहा है वो दूसरा आदमी हो गया तीसरा मैं आपको बता चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे हैं वो चुनाव तो क्या पता लड़ रहे हो भगवान उनका भला करे मैं किसी के बारे में क्यों अब हिन्द आपको भी समझ में आ गया और आपके सारे दर्शकों को समझ में आ गया आप पूरक सवाल पूछ के चाहते हैं कि मेरा नाम निकल जाए मैं बहुत परफेक्ट स्पोक्स पर्सन हूँ जो मुझे नहीं बोलना वो मैं नहीं बोलूँगा तीसरा तीसरा वो व्यक्ति है जब मैं दसवीं क्लास में पढ़ता था नाइनटीन नाइनटी टू में आई वॉज इन क्लास टेंथ माई पेरेंट्स पापा मम्मी दोनों मेरे शिक्षक थे तो वो मेरे को अंग्रेजी का अखबार पढ़ाते थे हम छोटे शहर में रहते थे तो कहते थे अंग्रेज़ी पढ़ अंग्रेज़ी के अखबार वो मंगाते थे हमारे शहर में एक दिन लेट आते थे पर फिर भी वो मेरे को कहते थे पढ़ और फिर मेरे पापा मेरे को उसमें से बोलते थे इस न्यूज़ के बारे में एक मिनट अपनी व्याख्या कर दैट वॉज माई असाइनमेंट माई फादर फादर यूज टू पुट दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट ऑन मी तो मैं दसवीं में उन्नीस सौ में पढ़ा था कि ये व्यक्ति ने कांग्रेस का मैनिफेस्टो बनाया वो दो हजार चौबीस में भी वही बना रहा अब बताओ आप मैं दसवीं में था उन्नीस सौ में माई एज वॉज अराउंड फिफ्टीन फिफ्टीन पंद्रह साल में अभी मेरे यहाँ पे भी चार पाँच दस बाल सफ़ेद हो गए यहाँ आधे से ज़्यादा सफ़ेद हो गए पर वो बंदा वही बैठा है वो बंदा हिल नहीं रहा अरे उसके मैनिफेस्टो में ताकत होती या उसके आइडिया में ताकत होती भैया पे बैठ, बैच बै, पहुँचे थे आप फोर्टी टू फिर उसने वापस बनाया न्याय व्याय कुछ लाया न्यूनतम आय योजना और फलाना डीम का कुछ किया फिर आए बावन अभी फिर न्याय पे आया वो उसका थॉट प्रोसेस अविचल प्रॉब्लम इज दैट कि अगर हमारे दिमाग में कोई चीज़ आ जाती है उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है तो इसीलिए तो वेन एवर वी आर स्टक एट सम प्लेस वॉट ऑर्गेनाइजेशन डू दे यूज टू टेक फीडबैक फ्रॉम सम अदर पर्सन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव तो ये तीन लोग ये तीन लोग कांग्रेस चला रहे हैं ये वो नहीं है जो आपके दिमाग में पर वो जो आपके दिमाग में जितने भी लोग हैं वो इनके बराबर दोषी है मैं उनको दोष मुक्त नहीं कर रहा क्योंकि वो मौन स्वीकृति दे रहे हैं इनके काले कारनामों को कुकर्मों को पापों को तो दे आर नॉट आई एम नॉट रिलीविंग दैम फ्रॉम देयर सिन उनके पाप से मैं उनको मुक्त नहीं करता क्योंकि आपने उनको हुआ जब कर रहे हैं ना मतलब आपकी हालत यह है कि आप किसी भी जैसे आपके दिमाग में आया कि कांग्रेस में ये टॉप पे आप उसके पास जाओगे तो बोलेगा मेरे हाथ में तो कुछ नहीं दूसरे वो कहेगा उसके पास जाओ वा किसी ने मेरी सुनी नहीं मेरे पास क्या चारा बचता मैं तो यहाँ पे सत्ता में अपनी हिस्सा लेने तो आया नहीं था मैं तो देश निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आया था सत्ता में हिस्सा इज वाज नॉट माई ऑब्जेक्टिव और मुझे गर्व है अविचल इंडिया का वन ऑफ द यंगेस्ट फुल प्रोफेसर बनाओ किसे कहने से थोड़ी बना मेरे टीचर्स ने मेरे ऊपर अपना टाइम लगाया उनके आशीर्वाद से बनाओ, और कोई इसमें इसमें एक आदमी भी इसमें मेरे पेरेंट्स और टीचर के अलावा नहीं है जिनको मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकूँ उनके कारण बन गया अब मैं कोई नौकरी करने आया था क्या यहाँ पे तो आप खोखो कर रहे हो आप खोखो नहीं कर रहे हो आप देश के एस्पिरेशंस को खो खो को मैं एक और आपको एक 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 वाक्य सुनाता हूं मैंने कहा सर दो के विकसित भारत के संकल्प का विरोध मत करो ये मैंने बोला बोले क्यों तुम्हारे यार विचारधारा जिसको मैंने कहा ना बोले यार तुम्हारी विचारधारा बड़ी राइटिस्ट है तो मैंने कहा ये पाप है क्या इज इट सिंह बोले क्यों नहीं करे कहा साहब देर इज ए वर्ड कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रचनात्मक आलोचना समालोचना मैंने उस उनको कहा कि अपन ऐसा करते हैं सर कि एक वाइट पेपर बनाते हैं देश के सामने रखते हैं कि 2037 में कैसे बनेगा ये सैतालीस की बात कर रहे हैं हम सैतीस में ऐसे बना देंगे बोले ये तो हो ही नहीं सकता सैतालीस में बन ही नहीं सकता अरे भाई आप जो हिंदुस्तान सोच रहे हो जो पैंसठ परसेंट पैंतीस साल के उम्र कम उम्र के लोग हैं इनके बड़े एस्पायरिंग आइडियाज हैं आपको पता ही नहीं क्योंकि आप ग्राउंड पे उतरते ही नहीं हो फिजिकल फिटनेस पे ग्राउंड पे उतरना अलग चीज है आई एम डूइंग ए वॉकिंग ऑफ टेन किलोमीटर इन द मॉर्निंग दैट इज डिफरेंट थिंग पर पॉलिटिकल फिटनेस अलग है फिजिकल फिटनेस इज नॉट इक्वल टू पॉलिटिकल फिटनेस आप ग्राउंड पे पैदल चलने के लिए उतर रहे हो म ओके इफ योर ऑब्जेक्टिव इज दैट आई वॉन्ट टू बी फिट बट इफ यू वॉन्ट योर पार्टी टू बी पोलिटिकली फिट यू हैव टू स्पेंड टाइम विद द पीपुल आप लोगों के साथ ना तो सुनते हो आपको मैं एक और एक, एक और एग्जाम्पल देता हूं अभी चल जैसे तुम्हारे दिमाग में एक कांग्रेस यू एज्यूम योर सेल्फ कि तुम एक यंग आदमी हो पच्चीस साल की उम्र के और एक एस्पिरेशन है तुम्हारे पास देश के लिए कुछ करने का तुम्हें एक आइडिया देना कांग्रेस को तुम्हारे को मेरे अलावा मैं भी नहीं रहा मेरे अलावा किसी का फोन नंबर तुम्हें नेट पे नहीं मिलेगा देख लो ट्राई कर लो मेरा नाम और नंबर प्लीज चेक कर लो अगर ये फोन नंबर नहीं मिले और इस पर घंटी नहीं आए तो मुझे बता देना आओ नहीं ये मेरा बहुत प्राइवेट नंबर अरे प्राइवेट प्राइवेट करना है तो फिर ये लोकतंत्र में प्राइवेट लोगों की कोई जगह नहीं है मेरे आठवीं क्लास में एक विषय में कम नंबर आए मैं अपनी सारी मार्कशीटें इंटरनेट पे डाल रहा था अभी भी मिल जाएगी आप गूगल कर लेना प्रोफेसर गौरव वल्लभ मार्कशीट्स आठवीं से लेके पीजी तक पीएचडी तक एफआरएम तक सीए तक सीएस तक सारी मार्कशीटें सारी नेट पे डाली हुई क्योंकि लाइफ वॉट यू वॉन्ट टू हाइड अगर तुमको जीवन में कुछ में शर्म आ रही है यू आर नॉट फिट एस पर मी तो मैंने मैंने मेरे अलावा अगर किसी को कश्मीर से लेकर त्रिवेंद्रम तक के कार्यकर्ता है मुझे फ़ोन करते हैं नागालैंड से लेकर कोहिमा से लेकर गांधीनगर तक लोग कार्यकर्ता मुझे फ़ोन करते थे क्योंकि मैं उनका फ़ोन उठाता था और मेरी एक आदत है अगर आपका नाम फीड है तो शायद नहीं उठाऊं पर अननोन नंबर तो हंड्रेड परसेंट उठाऊँगा क्योंकि नाम फीड में मुझे पता है कि ये क्या बात करना चाहता है पर अननोन नंबर हमेशा उठाता था लोग बोलते थे साहब ये करो ये करो साहब राम मंदिर में नहीं एक मेरे को एक जब राम मंदिर के भगवान राम का चंदा इकट्ठा हो रहा था मुझे सौ कार्यकर्ताओं ने बोला भैया अपन को चंदा देना चाहिए भैया मैंने इनको बोला साहब चंदा देना चाहिए कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ता है ना जमीन पे आपको तो पता ही नहीं है आप तो यहाँ पर राज्यसभा में आपका दिमाग इसी में चलता है राज्यसभा कैसे लूँ अब ख़त्म होने वाली वो बता रहा है कि चंदा जब मैंने बोला कि साहब हमको एक सबसे बड़ा चंदा हमें देना चाहिए क्या दिक्कत क्या है नहीं नहीं वो नहीं देंगे क्यों नहीं दोगे क्यों नहीं दोगे क्यों जिसमें करोड़ों लोगों की आस्था है उसमें नहीं दोगे तो ये सारी चीजें अचानक नहीं हुई ना मैंने एक एक दो चार घंटे में कोई निर्णय लिया चार महीने तक घूमता रहा मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई पोजीशन अपने कोई राजनीतिक दल में नहीं मांगी पहली बात दूसरी बात जमशेदपुर ईस्ट से जब मेरे को कहा चुनाव लड़ने के लिए तो कल अगर लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है तो मुझे आज शाम को बोला गया और मैंने कहा मेरी कोई इच्छा नहीं है रुचि नहीं है तो मुझे उस समय जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज से उनका नाम बता रहा हूँ ताकि आप उनसे पूछो आर पी एन सिंह साहब उन्होंने कहा गौरव यार प्लीज लड़ ले यार तेरे बिना कोई यहां पे लड़ ही नहीं पाएगा क्योंकि आठ बार से लगातार भारतीय जनता पार्टी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को कितनी बार एट टाइम्स और सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट वाज कंटेस्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ भारतीय जनता पार्टी सिटिंग चीफ मिनिस्टर रघुवर दास जी चुनाव लड़ रहे थे जिसके खिलाफ हम तो सीना ठोक के लड़े ना हम थोड़ी गए हम छुपे भी नहीं अभी जैसे सी डब्ल्यू सी के ने मेंबर से छुपे हुए हैं कांग्रेस ऑफिस ही नहीं जाते हैं पता है क्यों अभी चल अरे किसी ने देख लिया टिकट पकड़ा देगा <laughs> सच बोल रहा हूं आई एम नॉट किटिंग आई कैन आई कैन गिव यू देयर नेम्स ऑफ द रिकॉर्ड अभी मैं ऑन रिकॉर्ड एथिकल नहीं होगा आपको पता है अस्सी पिचासी सी डब्ल्यू सी मेंबर है एपेक्स बॉडी है कांग्रेस की इसको कहते हैं कांग्रेस कार्य समिति कांग्रेस वर्किंग कमिटी उसमें अस्सी पिछासी मेंबर्स है मात्र चार लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्यों भाई क्यों डरते हो क्यों डरते हैं? पता है? एक एक व्यक्ति है जो अभी कांग्रेस का सारा फाइनेंशियल काम संभाल रहा क्यों क्यों नहीं लड़ रहा वो लड़के पता है उसको पता आठ लाख से हार मैं एट फाइव नहीं एट ई आई जी एच टी लैक डिफरेंस ऑफ वोट्स डरते क्यों हमको फिर बोला मैंने नहीं मांगा अभिचल मुझे बोला जाओ उदयपुर से चुनाव लड़ो कितनी बार से कांग्रेस हार रही थी वहां से लगातार एक दो तीन चार पाँच अरे अभिचल पढ़ा लिखा आदमी तो हूं ना और सामान्य आईक्यू तो है मेरा आउटस्टैंडिंग नहीं पर सामान्य मानते हो अगर मुझे चुनाव लड़ना होता तो सेफ सीट ढूंढता ना अगर मैं टिकट मांगता तो सेफ सीट ढूंढ के लाता ना जहाँ से लगातार पार्टी जीत रही है पांच बार से हारी हुई सीट पे लड़ा और पूरी ताकत से लड़ा अविचल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं जितने मेरे वोट आए उदयपुर में आज तक कांग्रेस के किसी नेता के नहीं आए आज तक चेक कर लो अगर झूठ बोल रहा हूं तो चेक कर लो तो भाई मैंने क्या मैं मैंने मांग के तो कोई चुनाव लड़े नहीं पार्टी के की आइडियोलॉजी की ताकत से चुनाव लड़े मैं एक, एक वाक्य पहली बार टीवी पर बता रहा हूं मैं उदयपुर में शाम को एक कार्यक्रम में गया सामाजिक कार्यक्रम चुनाव के बीच में बीस हजार लोग इकट्ठे हुए कितने बीस हज़ार हाँ वो कार्यक्रम में उनको देखते ही मेरे साथ में एक मेरा दोस्त था क्योंकि अपन हम पीए वी ए को अफोर्ड कर नहीं सकते दोस्त को ही बुलाया वो दोस्त कह रहा अरे मेरे सी एफ ओ हूँ एक कंपनी का मेरी नौकरी हटवाएगा तू मैं मास्क पहन के चलूँगा मैंने कहा चल पर तू चल साथ में वो बीस हजार लोगों को देख के मैंने कहा कि यार अपन अब जीत रहे हैं यार देख इतनी भीड़ तो मतलब इट इज़ माइंड ब्लोइंग तो मैं वहाँ एक बुजुर्ग थे एक उनको जिनको मैं जानता था उन्होंने मुझे बुलाया उनके मैंने प्रणाम किया तो उन्होंने अपना भाषण चालू किया गौरव जी बहुत अच्छे आदमी हैं बहुत विद्वान हैं हम इनको टीवी पर देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है वो वीडियो है मेरे पास पर हम कोई भी गौरव जी को वोट नहीं करेंगे क्या बोला मैं तो स्टेज पे बैठा था अभी चल मुझे लगा कि स्टेज गिर गया और मैं नीचे पहुंच गया क्या बोला हम कोई भी गौरव जी को वोट नहीं करेंगे दोनों हाथ ऊँचे करके बोलो मैं मैं बुज़ुर्ग व्यक्ति थे मैं उनके पैर पड़ा मैंने कहा साहब अभी तो आप कह रहे थे मैं अच्छा आदमी हूँ अब आप बोले यार हम सनातन विरोधियों के साथ खड़े नहीं हो सकते क्या बोला वी कांट स्टैंड विद द people हु डे इन एंड डे आउट abuse सनातन धर्म मैं क्या बोलूँ मुझे क्या ऑफर दिया उसने पता है इस सिंबल को हटा इस सिंबल को हटा बाकी हम जितवाएंगे तेरे को पर सनातन विरोध के साथ वोट नहीं करेंगे ये बात किसको पता चलती है अभी चल पता है जो ग्राउंड पे खेलता है यहाँ राज्यसभा की सेटिंग बाजी जो होती है ना सेटिंग बाजों को यह पता नहीं चल सकती जो ग्राउंड पे खेलता है उसको पता होती है। एक और एक और मैं बात बताता हूं मेरी मैं सिस्टमेटिक आदमी हूं मैं चुनाव हारा दोनों चुनाव तो मैंने हारने की एक रिपोर्ट बनाई चार पेज की मेरे लैपटॉप में अभी भी मुझे क्या लगा कि लीडरशिप पूछेगी और पूछना चाहिए वो मेरे पास ही पड़ी है अभी किसी ने नहीं मांगी मैं एक जने को कहने गया कि साहब मैंने एक रिपोर्ट बनाई है वाई आई लॉस्ट और उसमें मैंने मेरी कमियां भी लिखी व्ट आर द लेकुना एट माई एंड व्हाट आर द लेकुनाज ऐट द आइडियोलॉजी का एंड एंड व्हाट आर द लेकूनाज एट द ऑर्गेनाइजेशनल एंड ये तीन पार्ट मैंने उसको डिवाइड करा मैं एक सज्जन के पास प्रिंट आउट करके अच्छे से प्लास्टिक के फोल्डर में डाल के लेके गया मैंने कहा आज दूंगा ताकि वो पड़ेगा अरे यार कोई दिक्कत नहीं है यार वो तो होता रहता चुनाव तो क्या यार हार गया ना कई लोग हार गए और उसने एक एक शीर्ष नेता का नाम लिया वो भी तो हार गए यार क्या है क्यों इस पर टाइम करा गया ये ऐसे पार्टी चलेगी ज दिस द वे ऑर्गेनाइजेशन मैं तो कॉरपोरेट में काम किया हुआ हूं मुझे पता ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करती है इवन समी लीव दर्गेनाइजेशन उसका एग्जिट इंटरव्यू होता है जो एच आर का हेड करता है कि भाई वॉट आर योर इश्यूज और वो उसको इंट्रोस्पेक्ट करता है उसको उसको उसके ऊपर गाली गलोच नहीं करता है वो तो गया पर उसके इश्यूज तो सुनता है बेस्ट कंपनीज में ये होता है तो मैंने सोचा ये सब इतनी बड़ी पॉलिटिकल ओल्ड पार्टी ये होगा किसी ने रिपोर्ट ही नहीं मांगी वाई यू वन वाई यू लॉस्ट यू डोंट नो यू आर नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो टू नो खो खो खेलो आओ जाओ क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप जाओ जब बढ़िया बुके लेके जाओ और बोलो साहब आपने वो डायलॉग दिया ना वर्ल्ड क्लास मैं क्या बोलता था साहब ये जो आप बातें कर रहे हो रोज आप एजेंडा चेंज करते हो ना साहब इससे लोग आपको नापसंद मैं ये बोलता था जाके क्या बोलता था कि आप रोज़ एक नया एजेंडा जैसे आज सुबह हुआ आज सुबह क्या करें आज का सेंसस चलाते हैं कल सुबह अडानी अंबानी को गाली बोले कितने दिन हुए कि साहब पाँच दिन हो गए आज उनको पकड़ते हैं वापस गाली चालू कर परसों सुबह आज तो कुछ नया करना पड़ेगा ईवीएम हैकिंग की बात कर लेते चार दिन चौथी सुबह बेरोजगारी कितने दिन हो गए इस हिसाब दस पंद्रह दिन पे कुछ नहीं हो आज बेरोजगारी की बात करते हैं पाँचवें दिन आज अग्निवीर पकड़ लेते हैं छठे दिन आज मैं महंगाई को मुद्दा बना लेते हैं सातवें दिन कुछ नहीं मिल रहा जीएसटी पे गालियां देना चालू कर दो अरे आपने एक चीज पे भी और आई ऑलवेज यूज टू टेल अविचल कि आप एक मुद्दे पे अपना पर्सपेक्टिव तो रखो आप कास्ट सेंसस कराना चाहते हो उसका एक आपने वाइट पेपर बनाया कि क्या डाटा कैप्चर करोगे और नीति निर्माण में उसका क्या यूज होगा किसी को पता ही नहीं आप मेरा नाम तो मत लेना अभी चल कोई कांग्रेस का मिले मेरे मेरा लोग है तो वो अननेसेसरी पांच मिनट मुझे गालियां देने में खराब कर देगा आप तो ये बोलना कास्ट सेंसस में कौन सा डाटा निकालना चाहते हो और उसका राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान उनको पता ही नहीं दे दे आर नॉट अवेयर कोई बिहार के एक रीजनल पार्टी के हेड ने बोल दिया कास्ट सेंसस उठा लो पोलराइज हो जाएगी कास्ट इस पर बात करते रहो अरे भैया ये सब लोग हैं ना 65 परसेंट लोग 35 साल के कम उम्र के हैं सब समझते हैं वो यू इफ यू आर थिंकिंग यू आर स्मार्ट देन एज्यूम देम हु आर बिलो 35 फाइव आर स्मार्टर देन यू एंड आई ऑलवेज रिमेंबर आई ऑलवेज रिमेंबर वन कोट बाई रतन टाटा कि मैं जब किसी सी का इंटरव्यू लेता हूँ तो बस एक चीज टेस्ट करता हूँ कि मेरे से स्मार्टर है कि नहीं क्योंकि मुझे मेरे से ज्यादा स्मार्टर लोग चाहिए तभी तो वेल्थ well क्रिएट होगी तो हम क्या सोचते हैं गौरव वल्लभ अंग्रेजी भी बोलता है हिंदी भी बोलता है एकदम स्पष्ट है लोग भी कन्विंस होते हैं यहीं पर मैं बात यही आती है दरअसल जो आ, टीवी पर या लगातार जो आचार तरीके से आप अपनी बात रख रहे थे, वो एक तरीके से के लिए, आ, या सकते पसंद नहीं आया और उस ट्रैप में आप गए जिसको उदयपुर में तैयार किया गया सिर्फ नहीं आपकी तरफ से नहीं हुआ लेकिन ये हुआ पर मैं आपको एक, एक और एक उदाहरण देता हूँ मुझे कांग्रेस के टॉप लीडर टॉप में फिर बात करिए मतलब तो राहुल गांधी हाँ बस तो इस, इस लेवल गादी, के, गादी, इस, इस लेवल की के, के, इस लेवल की बुला के बोला कि आपको हम सी डब्ल्यू सी मेम्बर बना रहे छ महीने पहले ठीक है मैंने नहीं मांगा मैं गंगा जल लेके बोल सकता हूँ मैंने नहीं मांगा तो मैंने कहा साहब बहुत बहुत मेहरबानी बना दो तो पंद्रह एक दिन बाद लिस्ट आई तो मेरा नाम नहीं था तो आई हैड नॉट रिएक्टेड मैंने कोई ऐसा भी नहीं लिखा तपस्या में कमी रह गई मेरे बर्बाद हो गया मैं मेरी तपस्या में कभी कोई कमी नहीं रही मैंने तो जो किया वो किया मैंने इस तरह के ट्वीट भी नहीं किए कई लोग करते हैं कि तपस्या में कमी रह गई बर्बाद हो गया मुझे ईश्वर उठा लो मैंने तो ऐसी कोई बातें नहीं करी तो जब नहीं हुआ तो दस पंद्रह दिन बाद मैं उन्हीं नेताजी से एक मीटिंग में मिल लिया hmm. तो मैंने पूछा सर आप बोल रहे थे कि सी डब्ल्यू सी में हो रहा है इसमें तो हुआ नहीं अरे यार गौरव योर आइडिया ऑफ रिलीजन डजेंट सूट अस आई रिपीट आइडिया माय आइडिया ऑफ रिलीजन डजेंट सूट यू तो जाओ फिर पेशावर में लड़ लो चुनाव और इस्लामाबाद के प्रधानमंत्री बन जाओ जाओ इफ माई आइडिया ऑफ रिलीजन इज नॉट सूटिंग यू और मैं तो अविचल मैंने तो कभी धार्मिक आधार पे जाति आधार पे कोई राजनीति की नहीं मैं तो वो हूं अविचल नाम में भी सरनेम नहीं लगाता वल्लभ मेरे पिताजी का नाम है और मेरा आइडिया ऑफ रिलीजन डिजेंट शूट यू क्योंकि मैं क्या पू पूछता था सनातन पे चुप्पी सहन नहीं हो रही है रामचरित मानस की प्रत्या जलाई जा रही है इस पे चुप्पी सहन नहीं हो रही है और मैंने तो रामचरित मानस पे प्रत्या जलाई थी अपनी बाइट दे दी हालांकि कांग्रेस में इतनी ताकत कम लोगों में थी कि जो मुझसे कुछ सवाल पूछ ले क्योंकि मैं तो कुछ लेने आया ही नहीं मैं तो अपना टाइम और ज्ञान देता हूं आपसे क्या लिया मैंने मैं कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले दसों लिस्टेड कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर था सबसे एक झटके में रिजाइन किया है और एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कमीशन और सिटिंग फीस मिला के अच्छा खासा पैसा मिलता है तो मैं तो आई हैड सेक्रीफाइस फॉर द पार्टी आई एम नॉट हियर टू टेक एनी थिंग आई गेव यू मैंने छह साल तक आपको दिया है मैंने आपसे कुछ नहीं लिया है और आपसे अलग इसलिए हुआ हूं क्योंकि मैं छह साल पहले भी वही बातें करता था जो आज कर रहा हूं पर आप आज बदल चुके हो आज आपको पी वी नरसिम्हा राव का अपमान करने में मजा आता है आज आपकी विचारधारा लेफ्टिस्ट विचारधारा हो चुकी है आप लेफ्ट के लोगों से इस तरह घिर चुके हो कि आप वेल्थ क्रिएट करने प्राइवेट इकोनॉमी को आप हर्डल करते हो अगर ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी नहीं आती अभी चल तो तुम भी यहाँ नहीं बैठे होते आई कैन गिव यू इन राइटिंग न्यूज तक नाम का एक ऑनलाइन चैनल पोर्टल इतना प्रेस्टिजियस भी नहीं होता ये सब आ हम सब लोग इस जो हॉल में बैठे हैं जितने भी लोग हैं मोस्ट ऑफ अस आर 40, 45 और लेस देन 45। वो सब उसी कारण से यहाँ बैठे हैं वरना एक भी यहाँ नहीं मिलता प्रोफेसर गौरव वल्लभ आपने कांग्रेस से अपनी शिकायतें गिनवाई और वो बहुत लंबी लिस्ट है लेकिन बीजेपी में ऐसा क्या खास नजर आ गया जिस पार्टी के खिलाफ छः साल से आप ताल ठोक रहे थे तो मुझे कांग्रेस से शिकायतें आपकी समझ में आती हैं लेकिन बीजेपी से मोहब्बत समझ में नहीं आती है आई आई एग्री विद दिस क्वेश्चन एंड आई विल आंसर दिस अपने यूपीएससी का फॉरम मैंने भी भरा और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं मुझे लगता है आधे से ज्यादा ने जरूर भरा होगा और नहीं भी बोल रहे हैं तो भी वो झूठ बोल रहे हैं उसमें एक तो होती मैंडेटरी कंडीशन एक होती डिजायरेबल कंडीशन मैंडेटरी कंडीशन यू शुड बी ग्रेजुएट बिना ग्रेजुएट यू कांट फिल द यूपीएससी फॉर्म एग्री डिज़ायरेबल कंडीशन ये है कि भाई कंप्यूटर नॉलेज भी हो अच्छा है प्लीजिंग पर्सनलिटी हो अच्छा है हिंदी अंग्रेजी अच्छी बोलनी आए तो भी अच्छा है आपके पास में जियोपॉलिटिकल अच्छा ज्ञान हो तो भी अच्छा है मैंडेटरी कंडीशन में सर छेड़छाड़ नहीं हो सकती डिजायरेबल कंडीशन में आप कुछ इधर उधर कर सकते हो पर मैंडेटरी कंडीशन तो ऐसी है जिसमें अनटॉलरेबल अनएक्सक्यूजेबल अननेगोशिएबल है और मेरे लिए 2018 में भी तीन मैंडेटरी कंडीशन थी जो मैंने कांग्रेस के लोगों को उस समय भी बोली कि राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करो नंबर दो धर्म की रक्षा के समय चुप मत हो और धर्म का मतलब एक ही धर्म नहीं समस्त धर्म और तीसरा एक वर्ड में यूज करता हूं इकोनॉमिक सेकुलरिज्म आप जब इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात करते हो और दो के विकसित भारत का मजाक उड़ाते हो देन यू आर नॉट इन फेवर ऑफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट अगर विकसित भारत बनेगा तो गौरव वल्लभ और अविचल अकेले दो जने नहीं बनेंगे 142 करोड़ हर व्यक्ति की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी हर व्यक्ति को एक्सेस टू गुड हेल्थ गुड एजुकेशन गुड ड्रिंकिंग वाटर गुड सैनिटेशन हर व्यक्ति को एक्सेस होगा तो आपके पास कोई ना तो दृष्टिकोण है क्यों नहीं है क्योंकि तीन आदमी आपके आपके बिहाफ पे काम कर रहे हैं एक ने मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा नहीं के मैंने कहा ना तो ये जो तीन जो मैंडेटरी कंडीशन है इन तीन मैंडेटरी कंडीशंस पे मेरे को किसी भी तरह का नेगोशिएशन नहीं चाहिए था और भारतीय जनता पार्टी ने इन तीन मैंडेटरी कंडीशंस पे अपनी बाहें फैला रखी है इसलिए मैं चले गया एक पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस में एक स्टोरी छपी थी कि 2014 के बाद बहुत सारे नेताओं ने 25 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और उसके बाद उनके खिलाफ जो केसेस थे ईडी के सीबीआई के या तो वो स्लो हो गए या वो उनसे मुक्त हो गए कुल मिला के उनका रिस्क मैनेज हो गया तो सर आपके प्रोफाइल में मैंने पढ़ा कि आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर हैं कैसे रिस्क मैनेज हो गए देखिए दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल क्वेश्चन फॉर मी मेरे ऊपर तो ये लागू ही नहीं होता आप केस तो छोड़ दीजिए भगवान की दया है मेरे ऊपर नहीं मुण... केस तो छोड़ दीजिए आज तक कोई कंप्लेंट भी मेरे खिलाफ नहीं है नहीं नहीं आपके खिलाफ तो कोई केस नहीं है उसमें कोई शक नहीं है आपके एफिडेविट देखे हैं हम लोगों ने जब आपने चुनाव लड़े मैं कह रहा हूं कि आपकी मौजूदा पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो ईडी सीबीआई जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल अपने राजनीतिक दुश्मनों के खिलाफ करती है गौरव वल्लभ का एग्जाम्पल उसका आंसर है ना सर एनी कैन से गौरव वल्लभ क्यों आया किस लालच में आया किस डर से आया हम तो डरते नहीं है पर सीडब्ल्यू सी डरी हुई बैठी है आपको आज अभी चल एक काम करना और सर आप भी करना सी डब्ल्यू सी में आप दोनों दो दो तीन तीन, तीन आदमी को जानते हो यस और नो उनका फ़ोन नंबर है आपके पास उनको फ़ोन करना कि सर कहाँ तो बोलेगा मैं तो यार सिंगापुर आया हुआ हूँ वो जब लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन हो जाएगा आ जाएंगे ट्राई करना अगर झूठ बोलूँ तो आप पूछोगे कहाँ सर मैं तो दुबई आया हुआ बच्चे के पास अरे बच्चे के पास नहीं ये इनको लग रहा है कोई माला पहना देगा टिकट की अभी आठ लाख वोटों से हार जाएंगे फिर इज्जत खराब हो जाएगी आपको जो ये दूसरा आदमी जिसको यूपी बिहार का अंतर नहीं आता इसका पर्सपेक्टिव बताता हूँ और लाइव पर्सपेक्टिव बनाता बताता हूँ राजस्थान में राजसमंद एक लोकसभा क्षेत्र है जिसमें बिना पूछे कैंडिडेट को बिना पूछे टिकट दे दिया कैंडिडेट बोला मैं तो विदेश में आऊँगा ही नहीं चेंज किया मैं नहीं बोल रहा है दिस इज एन एग्जाम्पल कैंडिडेट बोल रहा है ऑन रिकॉर्ड विदेशों में बैठा हुआ कि मेरे से नहीं पूछा है इन्होंने मैंने तो अप्लाई नहीं किया लोग मेरे को क्यों टिकट दिया मैंने तो अप्लाई नहीं किया क्योंकि आपको आपने स्केर सिटी ऑफ कार्यकर्ता तो सुना होगा पर कांग्रेस में आज स्केर ऑफ कैंडिडेट्स हो गई प्रत्याशी नहीं मिल रहे क्यों नहीं मिल रहे क्योंकि कौन वहां पे चुनाव लड़ेगा आप आप ना, आपके पास ना तो कार्डर है ना आप एक कोई आइडियोलॉजिकल कमिटेड हो आप दिशाहीनता के साथ आगे बढ़ रहे हो मंडे को एक ट्यूसडे को एक वेडनेसडे को एक थर्सडे को एक फ्राइडे को एक सैटरडे को एक संडे को एक वापस मंडे को एक यू आर नो आपने कहा कि कांग्रेस में आपको टॉप लेवल तक हर नेता के साथ एक्सेस था क्या बीजेपी में भी है बिल्कुल है क्योंकि गौरव वल्लभ को कुछ किसी पॉलिटिकल पार्टी से कुछ नहीं चाहिए बिल्कुल है और हमेशा रहेगा क्योंकि जब आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता आपका ऑब्जेक्टिव कंट्रीब्यूट करने का हो जाता है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं हमने कभी सर अभी चल आज तक किसी से कुछ नहीं मांगा आज तक अगर कोई बोल दे तो मेरा मेरे को नाम बताना उसका कि साहब ये बोल रहा था आपने उससे ये मांगा मैं तो कुछ नहीं मांगा हमने कुछ नहीं मांगा और ना कभी मांगेंगे हाँ जिस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं उसकी 24 फोर इंटू सेवन उसकी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने का काम जरूर करेंगे कोई ताकत नहीं रोक सकती तो आप बोल रहे हैं एक एक सवाल मेरे से सर पूछते हैं कई लोग कि आपकी क्या प्रॉमिस हुआ आपको आपका भी अभी चल आगे सवाल यही होगा नहीं, मेरे हाँ, पर यह सवाल पूछते हैं कई लोग कि आपको प्रॉमिस क्या हुआ मेरे को कुछ प्रॉमिस नहीं हुआ और मैं तुम्हें बताऊं पंद्रह मार्च को भी यह काम कर रहा था कितनी तारीख को मैंने जानबूझ के चार अप्रैल चुना ताकि नाइन्टी नाइन परसेंट टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाए ताकि लोगों को यह ना लगे कि मैं टिकटों के लिए टिकट एम पी एम एल इज नॉट ए क्राइटेरिया फॉर मी एट ऑल मेरे को नहीं मैं आज भी अभी चल तो मेरे साथ अपन दिल्ली हवाई अड्डे चलते हैं दोनों और एक एम पी को भी ले आओ लोग मेरे इज्जत करते हैं यार इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए प्यार करते हैं मेरे से मेरी मे, मेरे को मेरे को आके बोलते हैं और मेरी कमियाँ भी बताते हैं और मैं सुनता हूँ बिल्कुल सर आपका बीजेपी में कंट्रीब्यूशन क्या होगा आपको क्या लगता है कि क्या रोल प्रॉमिस की बात नहीं कर रहा उन्होंने बीजेपी एक, एक गारंटी, अभी है। मेरी भी एक गारंटी कि सैतालीस के विकसित भारत के संकल्प में मेरा गिलैरी वाला कॉन्ट्रीब्यूशन हर हालत में होगा सवाल यह है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है आपके तमाम अभी तक की बातचीत से कि आप सनातन पर अगर पढ़ाई आपने की होती तो ज्यादा मतलब शिक्षा का प्रसार हुआ होता क्योंकि ये मैंने तो आधा घंटा एल पे भी बोला वेल्थ क्रिएटर्स नहीं मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ सर कि इस भारतीय संविधान में तो भरोसा है ही हम सबका भारत के नागरिक होने के नाते तो आ, अगर मान लीजिए कि, कि किसी नेता को अगर ठीक है कि कांग्रेस नहीं गई राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई ये कहे कि वो उसकी आस्था ही नहीं है क्या आप उन लोगों में शुमार हैं कि जो कहेंगे कि भारत में रहना है तो जय श्री राम कहना है मैं ये कह रहा हूं कि आप अमेठी तक चले गए पर अमेठी से आगे निकल गए क्या मैं आप, तो सर उससे आगे की आप, बात पूछ आप, रहा हूं ना आप उसको रिफ्लेक्ट क्या करना चाहते हो मैं कह रहा हूं कि नास्तिक आदमी अगर है तो क्या उसे जय श्री राम का नारा आप, लगाना पड़ेगा भारत में रहना है तो जय संविधान कहना होगा इस बात को हमेशा स्वीकार करूंगा पर आप मेरे धर्म को गालियां दो और मैं चुप रहूं हूं ये स्वीकार नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं करूंगा आप मेरे इष्टदेव को अपशब्द बोलो और मैं चुप रहूं ये स्वीकार नहीं करूंगा नहीं करूंगा नहीं मैं किसी और धर्म को गाली देने का आपको नहीं कह रहा हूं ना ये कह रहा हूं कि फलाना को ये बोल दो फलाना देशद्रोही है फलाना को पाकिस्तान भेज दो नहीं साहब पर आप मेरे मैं बैठा रहूं आप मेरे को गालियां दो एज्यूम करो कि मैं मौन स्वीकृति दे रहा हूं और आप मेरे पिताजी को गाली दे रहे हो तो आप स्वीकार करोगे मैं ये थोड़ी कह रहा हूं दूसरे के पिताजी को गाली दो पर मेरे पिताजी को और माताजी को गाली स्वीकार नहीं होगी साहब ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है अच्छा आपने छह साल कांग्रेस के साथ काम किया चूंकि आप बता रहे हैं खुद से कि आपका इन्फ्लुएंस इतना था कि टॉप लीडरशिप इन्फ्लुएंस नहीं आई हेड यूज दर्ड एक्सेस एक्सेस इन्फ्लुएंस होता तो मेरी बात ही मान लेते हैं सब सुधार लेता हूँ आपका एक्सेस था टॉप लीडरशिप के साथ राहुल गांधी के साथ आपको छे साल में काम करके कैसा लगा क्या आप प्लस पॉइंट उनका पूछना चाहते हो कि माइनस आपकी राय आप प्लस बताइए माइनस बताइए जो आपको लगा बताइए नहीं, नहीं हम तो प्लस भी बताएंगे पहले प्लस सुन लीजिए बैलेंस करने के लिए आप थोड़ी बैलेंस थोड़ी है, है। हाँ। कोई बैलेंस नहीं मैं तो ये कह रहा हूं वो बराबर के दोषी है अगर वो मौन स्वीकृति दे रहे हैं इन तीनों को जो कांग्रेस का सत्यानाश कर रहे हैं चले तो जो कांग्रेस को गैर सनातनी दल बनाना चाहते हैं जो कांग्रेस को लेफ्ट विचारधारा से पूरक एक दल बनाना चाहते हैं हम तो कहते हैं जितने वो दोषी है उतने के उतने सारे सीनियर लीडर्स दोषी है हम कोई बैलेंस की बात नहीं है पर आपको अब आपने कहा क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ यही तो मेरी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई थी कांग्रेस पार्टी के लीडर का रूटीन समझाता हूं ये मॉर्निंग टी है सुबह की चाय ये राहुल गांधी के बारे में आप बता रहे हैं मैंने नाम नहीं लिया आप जो को जो समझना ये मॉर्निंग टी चल रही है आज मोदी जी को पिता की गाली दें या माँ की चलो ये देंगे ये मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा ये लंच का सूप है अभी मेरे हाथ आज अंबानी अडानी बहुत हो गया टाटा को पकड़ते हैं आज टाटा टाटा को को छोड़ फिर वो इवनिंग का सूप उस समय वो चर्चा और जो काम करते हैं वो मैं आपको ऑन कैमरा नहीं बता सकता अच्छा चलिए सर ये बताइए कि लेफ्ट आप बार बार कह रहे हैं कि लेफ्ट हावी हो गया लेफ्ट हावी हो लेफ्ट गया लेफ्ट विचार लेफ्ट विचार तो भार, भारत वर्ष अभी तो लेफ्ट दुनिया में कहीं नहीं हो पाया ना हो सकता है भारत वर्ष में विचारों की आजादी है तो लेफ्ट का विचार नहीं हो सकता तो है। लेफ्ट का विचार देश के लिए एक बैलेंस विचार की जरूरत है पर आप ये कह रहे हो सारे वेल्थ क्रिएटर्स खराब है नहीं तो, सारे कह रहे रहे हो तो अडानी का नाम ले कभी कहीं तो रुकना पड़ेगा जब आपको क्लीन चिट मिल जाए तब तो रुकना पड़ेगा मैं आपको एक मेरा उदाहरण देता हूँ मैंने स्वयं ने अडानी के खिलाफ दो तीन प्रेस वार्ताएं करी आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगी मेरे शुभचिंतक वो घुमा भी रहे हैं पर सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद अगर मैंने एक शब्द बोला हो अडानी के खिलाफ तो बताओ नहीं ज़्यादा मैंने बात नहीं है कि आप डिफेंड करते थे मैं खुद कह रहा हूं ना तो सेबी से क्लीन चिट तो तेबिस में ही मिला है अंबानी का रोज नाम लेते थे सुप्रीम कोर्ट ने जब कह दिया कि इसमें कुछ नहीं है अब सेबी ने क्लीन चिट दिया तो आपने सेबी को गालियां देने चालू कर दी नहीं सर मैं एक एक विद्यार्थी के नाते आपसे सवाल पूछ रहा हूँ क्या आपको नहीं लगता है कि वेल्थ का सेंट्रलाइजेशन इस देश में ज्यादा हो रहा है जिसका आ, कुछ एक उद्योगपतियों को ज्यादा फायदा है क्या पहले सवाल क्रोनिक जी वेल्थ क्रिएट होगी जब वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट होगी ना आप दूसरे सवाल पे अचानक पहुंच गए पहले सवाल को डिलीट कर साल में सकते वेल्थ क्रिएट अगर थे? वेल्थ क्रिएट नहीं हो अगर हम आज बैठे हैं मैंने तो मेरा उदाहरण दिया आपका भी नहीं दे रहा मेरा उदाहरण दिया वेल्थ क्रिएट हुई तब डिस्ट्रीब्यूट हुई तब कॉर्पोरेट्स बने तब प्रोफेशनलिज्म आया तब मिडिल क्लास एस्पायरिंग मिडिल क्लास जिसमें आप और मैं दोनों रहते हैं वो वेल्थ क्रिएटर्स नहीं होते तो वह एस्पायरिंग मिडिल क्लास कैसे बनती तो आप आप कह रहे हो कि साहब समानता होनी चाहिए कि नहीं अरे मैंने कब कहा नहीं होनी चाहिए पर मैं ये कह रहा हूं ही नहीं होगी तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किसका करोगे फर्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट द वेल्थ सेकेंड स्टेप इज टू डिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ वेल्थ क्रिएटर को क्या प्रॉब्लम क्या मैं आपको प्रॉब्लम भी बता देता हूं हिंदी फिल्मों ने वेल्थ क्रिएटर्स को सिगार पीते हुए बिलियर्ड्स खेलते हुए रेड वाइन पीते हुए दिखाया है वेल्थ क्रिएट करना इतना इजी नहीं होता है आपको और मुझे जो लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं वो कोई सुबह से शाम बिलियर्ड्स या शिगार या रेड वाइन नहीं पीते हैं वो भी मेहनत करते हैं पर हमने एक दृष्टिकोण बना दिया कि साहब हम सब तो सही और वो बदमाश हैं तो आप सबको गाली नहीं दे सकते ना आपने एक को गाली दी सुप्रीम कोर्ट ने जांच कर ली आप चुप हुए अरे कहीं तो स्टॉप करे यू हैव टू स्टॉप द बक एट ना।, तो ना? गौरव वल्लभ खराब क्यों खराब अब पूछा आपसे मान लो जैसे आपने कहा गौरव वल्लभ खराब क्यों खराब नहीं नहीं खराब है साहब खराब है क्यों खराब नहीं नहीं साहब खराब है साहब नहीं क्यों नहीं साहब खराब दैट इज नॉट द आर्ग्यूमेंट इट मीन्स यू आर खराब इसका मतलब है आपके मन में प्रिजुडाइस है मेरे से नहीं तो बताओ ना मैं क्यों खराब हूँ नहीं ये तो क्या एक सवाल ये भी होता है कि जैसे जो राजनीतिक चंदा का इलेक्ट्रोल बॉन्ड में देखा गया कि कांग्रेस को कम चंदा मिला भाजपा को ज्यादा मिला क्या लगता है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड की भी चर्चा करने से राहुल गांधी एक दिन आप मेरे को इलेक्ट्रल बॉन्ड पे बुलाओ सिर्फ उस पर सवाल करने के लिए उस पर भी मैंने कांग्रेस को बोला कि साहब जितना टोटल इलेक्ट्रोल बॉन्ड से कलेक्शन हुआ आप उसका प्रोपोर्शनेट निकालो विद द नंबर ऑफ एम एल एज एंड एम तो कांग्रेस को ज्यादा चंदा मिला आपको पता ये बात आर यू अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि आपके भाई आपको ये देखना पड़ेगा ना आप बोलो सभी सब चोर है मैं, एक तो मिनट तो मैं तो, तो पॉलिटिकल पार्टी तो कम ही चाह भाई तो मैं ये कह रहा हूं आपको देश के लोग वोट भी नहीं दे रहे हैं तो आप ये एक कहीं तो आपको आर्ग्यूमेंट तो लेकिन अगर आप ये तर्क देंगे तो 2009 में भाजपा हारी थी लेकिन कॉर्पोरेट चंदा भाजपा को ज्यादा मिला एम पीज और एमएलए का नंबर ऑफ प्रोपोशन निकाल रहा हूं मैं मैं ये तर्क बोले कैलकुलेशन है मेरे पास दूसरी बात मैं आपसे पूछता हूँ एज्यूम इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स नहीं है एज्यूम तो क्या होता कैश में चंदा आता कैश में चंदा आता तो दुनिया का कोई भी कोर्ट उस चंदे की जानकारी ले सकता था क्या क्योंकि आपने आज इलेक्टोरल बॉन्ड का इश्यू क्यों बना ट्रांसपेरेंसी क्यों आई क्योंकि एट सम लेवल समबडी इज कलेक्टिंग द डाटा इन दिस केस दिस इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप डाटा दीजिए तो स्टेट बैंक ने डाटा दे दिया अब एज्यूम करो इलेक्ट्रल बॉन्ड होते ही नहीं सिस्टम में तो भी चुनाव तो हो ही रहे थे बिना इलेक्ट्रोरल बॉन्ड भी चुनाव हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे तो कैश में चंदा जा रहा था सबके पास तो इलेक्टोरल बॉन्ड इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम क्या है कि हम फर्स्ट स्टेप को देखते ही नहीं पांचवें स्टेप की बात करते हैं अरे फर्स्ट स्टेप होगा तो मैं सेकंड पे जाऊंगा सेकंड होगा तो थर्ड पे जाऊंगा थर्ड होगा तो फोर्थ पे जाऊंगा चल गौरव जी अब आप कांग्रेस से दूर हुए क्योंकि आपने कहा कि सनातन को लेकर आप बर्दाश्त नहीं मैंने करेंगे तीन बातें बताई आपने तीन बातें बताई लेकिन उसमें मुख्य तौर पर सनातन का जो जिक्र इंपॉर्टेंट में ठीक है सनातन को लेकर नाराज थे आप और क्योंकि अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था वहां पर कांग्रेस नहीं गई आप गए मैं जाके आया और अभी सब पत्नी फिर जाऊंगा मैं तो गया पर मैं आपको एक चीज पूछ रहा हूं मैं तो पार्टी प्रेसिडेंट नहीं था ना या तो मुझे प्रेसिडेंट बनाते तो व्हाट आई डू इज जो मैं कर रहा हूं वो कांग्रेस कर रही ये रिफ्लेक्ट करवाते मैं तो गया हूं और आगे भी जाने वाला हूं सप्ताह दस दिन बाद फिर जाने वाला ठीक है तो सना। मैं बिल्कुल गया हूं पर मैं मेरा जाने से कांग्रेस पार्टी बिकॉज आई एम नॉट द कांग्रेस प्रेसिडेंट आप या तो आज बोल दो कांग्रेस प्रेसिडेंट मैं हूं तो बोल सकते हैं कि साहब कांग्रेस प्रेसिडेंट चले गए तो पूरी कांग्रेस आई एम नॉट रिप्रेजेंटिंग द इंटायर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी बात आपको न्योता मिला था मुझे मेरे जैसे छोटे आदमी को तो मिला भी नहीं आपने आप मैडम एक चीज बताइए आपका जैसे बर्थडे है आज एज्यूम आज आपका बर्थडे आपने मुझे इनवाइट किया मैं आपके इनविटेशन पे नहीं आना चाहता एज्यूम करो तो मैं आपको लिख के दूंगा मैं आपके बर्थडे में नहीं आऊँगा धन्यवाद ये कौन से ये कहाँ से लाते हैं ऐसी सोच आपको न्योता मिला आपको तो पहली लाइन में जाकर भगवान राम के दर्शन करने चाहिए थे गौरव वल्लभ को थोड़ी न्योता मिला गौरव वल्लभ को तो न्योता नहीं, नहीं मिला वो नहीं गया पर उसके बाद जैसे ही पब्लिक के लिए खुला गौरव वल्लभ जाके आया और आगे और जाएगा सपत्नी स परिवार स दोस्त तो मैं तो जाऊंगा पर आई एम नॉट माई नेम इज गौरव वल्लभ मैं गौरव गांधी नहीं हूं अब ये बताइए कि सनातन पर ही मैं आपसे सवाल करूंगी कि सनातन की क्या डेफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग क्योंकि मैं यहां पर एक जिक्र करना चाहूंगी संसद का रमेश भिदुड़ी का स्टेटमेंट आपने सुना होगा दानिश अली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए थे भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निष्कासित नहीं किया था टिकट नहीं दिया वो अलग बात है लेकिन उन पर कोई एक्शन भी नहीं हुआ था मैं सनातन को क्या मानता हूं वट इज सनातन फॉर सनातन हमारी आस्था है सनातन हमारी पद्धति है सनातन हमारी सोच है सनातन हमारा धर्म है और उस आस्था पद्धति सोच और धर्म में क्या है उस आस्था सोच धर्म में वसुदेव कुटुम्बकम की भावना है सर्वधर्म संभाव की भावना जब हम सर्वधर्म संभाव कहते हैं उसका अर्थ यह नहीं है कि एक धर्म मेरे धर्म को तो गालियां दो जब मेरे धर्म को आप कहते हो कि हम करो ना कांग्रेस ने क्यों जवाब नहीं दिया कांग्रेस पार्टी के एलाइज जिसके साथ कांग्रेस आज चुनाव लड़ रही है उसने कहा सनातन इज कोरोना हिम्मत देखो आप कांग्रेस भाई मेरे से नीताड़ियां बजेगी मैं नहीं बोल पाऊंगा बोला सनातन दुष्ट है ये बोला गया हम दुष्ट है आप दुष्ट हो मैं दुष्ट हूं जो भी सनातन धर्म में विश्वास करने वाले करोड़ों लोग हैं हम दुष्ट हैं ये बर्दाश्त नहीं होगा

मेरी ये मांग थी मेरी ये मांग थी उन पर हो जाए। नहीं मेरी यह मांग थी कि जब गाली दी गई तो हम दिल्ली में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते और बोलते कि हम सनातन धर्म को गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई सना, कोई भी धर्म को कोई व्यक्ति गाली नहीं दे सकता मेरी ये मांग थी मेरी ये मांग थी कि हम बाकायदा आधा घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिन जिन लोगों ने गाली दी उनको बोलो कि ये सब इनकी जो इनके जो स्टेटमेंट्स हैं उससे कांग्रेस की विचारधारा का कोई लेना देना नहीं पर आप मौन स्वीकृति दे रहे हो आपको मैं एक एक और एग्जांपल बताता हूं एक पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मेरी मदर आई मैं स्कूल में था तो मेरे टीचर थे वो मेरे ऊपर बहुत ध्यान देते थे और जब व्यक्ति ध्यान देता है तो क्रोधित भी हो जाता है जब आप उसकी आकांक्षाओं पे पूरा नहीं होते तो मेरी मदर के सामने उन्होंने मेरे को बहुत बुरी तरह से डांटा ठीक है मेरी मदर चुपचाप खड़ी रही कुछ नहीं बोली उसको क्या कहते हैं उसका अर्थ क्या है मैं आपसे पूछना चाहता आप भी बताइए उसका अर्थ यह है कि मेरी मदर कह रही है कि जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है और सुधर जा नहीं तो मैं इससे भी ज्यादा तुझे डांटूंगी आप उसको मौन स्वीकृति दे रहे हो आप और मैं एक साथ चाय पीने जाते हैं आपके साथ कोई व्यक्ति मिसबिहेव करता आपके साथ मेरे साथ नहीं और मैं खड़ा रहूं इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ क्या है कि मैं वो जो मिसबिहेव आपके साथ हो रहा है उसको मौन स्वीकृति दे रहा हूं मैं नहीं करूंगा मैं सनातन को अपमान को मौन स्वीकृत भारत में महिलाओं को माँ दुर्गा तक कहा जाता है मानते हैं आप ये बात बिल्कुल मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ दिल्ली में देश की राजधानी में महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ उसको कैसे देखेंगे देखिए आप फिर अब आप सनातन पे तो आप कन्विंस हुए एक सवाल तो अब इसको पुलिस स्टॉप लगाएं अब महिलाओं पे चर्चा करें वापस आर यू ओके विद दिस सनातन वाला तो ओके हो गया ना ये आपकी सोच है आप बिल्कुल नहीं, नहीं सोच को मैं कह रहा हूँ सनातन है? वाला वापिस इसको महिलाओं को और सनातन को आप मर्ज तो नहीं करोगे ना? मैं नहीं कर रही हूं। वो आप अपने देखिए कि आप जो सूट नहीं, मैं, मैं अकॉर्डिंग नहीं क्यूँकी चूजन नहीं। पिक करना तो प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये है कि आप फिर सनातन और इसको मिक्स करोगे वो मत करना मेरे लिए महिलाओं का सम्मान हमेशा रहेगा और हमेशा रहा क्योंकि हमारी परवरिश ही उस तरह के वातावरण में हुई है तो आप एक दो चार उदाहरण लेके अगर ये कहते हैं कि साहब इनके ये महिलाओं के खिलाफ है तो मुझे लगता है ये गलत है चार अच्छे उदाहरण भी मैं बता सकता हूँ सवाल पर ये म, सवाल मैं सवाल पे नहीं मैं मैं तो स्वीकार कर रहा हूं महिलाओं का सम्मान हमारी सभ्यता में होता आया है होगा आगे भी होगा होता हो रहा है आगे भी होगा आप लेकिन गौरव वल्लभ की राय क्या है मणिपुर के मसले पर और मही गौरव ने अपनी राय बिल्कुल बेटूक तरीके से कह दी है कि गौरव वल्लभ के लिए तीन इश्यूज मैंडेटरी इश्यूज हैं उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज गौरव वल्लभ स्वीकार नहीं करेगा रही बात महिलाओं की महिलाओं का सम्मान आज भी हो रहा है पहले भी होता रहा है आप पांच घटनाएं लेके आप आए हैं पांच उदाहरण लेके अब मैं एक एक उदाहरण पे टीका टिप्पणी करूँ रा, रा, राइट नाउ इट इज़ नॉट गुड फिर मैं चार और उदाहरण गिनाऊँ ये ये छीछा लेदर अपन को नहीं करनी मैं ये कह रहा हूँ कि महिलाओं का सम्मान होता रहा है आगे भी होगा अभी भी हो रहा है आपने तीन उदाहरण लिए एक मणिपुर का लिया एक रेसलर्स का लिया मैं उस पर अभी राजनीतिक बात करूं अच्छा नहीं लगेगा रेसलर्स क्या कर रहे थे आपको भी पता है देश को भी पता है मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करना चाहता रेसलर्स किसके कहने से काम कर रहे थे आपको भी पता पूरे देश को पता है पूरे देश को पता है और मैं अपने मुँह से ऐसे लोगों का नाम नहीं लेना चाहता जो लोग रेसलर्स को राजनीति के लिए यूज़ कर रहे थे पर ऑल सेट एंड डन फुल स्टॉप लगाने के बाद कह रहा हूं व्यक्तिगत रूप से आइडियोलॉजिकल रूप से महिलाओं के सम्मान में पॉइंट जीरो 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 वन परसेंट भी अपमान बर्दाश्त नहीं होगा मैंने अपनी बात कह दी आप उदाहरण दे रहे हैं फिर मैं चार उदाहरण आपको दे दिए मैंने सरकार बीजेपी की है आप दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से तो इस्तीफा ले रहे हैं चुने हुए मुख्यमंत्री हैं जेल चले गए घोटाले मामले में उनसे रोज बीजेपी कहती है इस्तीफा इस्तीफा दो स्तीफा दो मणिपुर में जो हुआ उसके तो नहीं लिए नहीं देना चाहिए आपके हिसाब से मैं मणिपुर पर सवाल नहीं, नहीं नहीं आपने कहा ये दोनों और यहाँ पे तो हम जेल तो न्याय न्यायिक प्रोसेस से गए न्यायिक प्रोसेस से गए कि कोई एक आदमी के हुक्म से चले न्यायिक प्रोसेस से गए ना ईडी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट स्टेटमेंट दिया कि भाई प्राइमा फेसी ये फिट केस है इनको अंदर रखने का को, को, कोई कोई जज नहीं है ना मेरी बात मैं तो बोल नहीं रहा ना ये तो न्यायिक प्रोसेस जुडिशियल प्रोसेस बोल रहा है आपको अगर ये विश्वास नहीं है कि मणिपुर में भी ऐसा ही होना चाहिए न्यायिक प्रोसेस लगा ही है ना किसने मना किया वी ऑल आर इन ए डेमोक्रेटिक सेटअप हमको इक्वल राइट्स है कोई कोई अरविंद केजरीवाल को कोई केजरी को, को एक्स आदमी वाई आदमी ने थोड़ी अंदर किया हुआ हेमंत सोरेन को ए आदमी बी आदमी ने थोड़ी कर रखा है वो तो जुडिशियल प्रोसेस से है आपको आठ आठ बार संबंध भेजा कि नहीं एट टाइम्स आपको आपको लगा ये तो मजाक है आप आए थे मैं फिर कहता हूँ आज एक वाक्य बोल के जा रहा हूँ मैं बीस दिन पहले भी ये मानता था कि अरविंद केजरीवाल कलयुग के सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं आज भी मानता हूँ कांग्रेस पार्टी ने चेंज किया कांग्रेस पार्टी 20 दिन पहले मानती थी कि अरविंद केजरीवाल सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है पर कांग्रेस पार्टी को आज उनमें सत्यवादिता नजर आने लगी तो मैं तो उसी कुर्सी पे बैठा हूं कि कांग्रेस पार्टी यहां से उठ के चली गई और रही बात मणिपुर की तो जुडिशल प्रोसेस क्यों नहीं अपना रहे जिनको जिनको तकलीफ है कि भाई ऐसा होना चाहिए जो हमारे न्यायपालिका में हर व्यक्ति को अंधा विश्वास है वी हैड ए ब्लाइंड फेथ ऑन आवर जुडिशियर सिस्टम एंड वी शुड प्राउड ऑफ वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट तो फिर जांच केजरीवाल पर हो जाती है और सत्तर ब... हजार करोड़ जिस मैं... पर आरोप लगते हैं उस पर फिर फाइल बंद हो तो वहां जाती पे मणिपुर में कोई भ्रष्टाचार हुआ मैं आप तो आप आप... मैं आप, अजीत पवार की बात कर रही आप कंपेयर नहीं कर सकते यू कांट कंपेयर दीज टू थिंग्स सवाल पूछा मैंने जवाब दिया फिर आप महिलाओं पे आए मैंने जवाब दिया फिर आप चीफ मिनिस्टर्स पे आए मैंने जवाब दिया अब आप भ्रष्टाचार पे आए अब ये चौथा आपका सवाल भ्रष्टाचार पे इसका जवाब भी सुन लीजिए एक भी व्यक्ति आई कैन प्राउडली टेल यू एक भी व्यक्ति जिसके खिलाफ़ भ्रष्टाचार के सबूत है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी 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 और अगर नहीं होती तो ये सब लोग अभी जो जेल में बैठे हुए हैं ये जेल में क्यों होते एक भी व्यक्ति नहीं बचेगा जिसने भ्रष्टाचार किया है फिर आपका एक सवाल आप काउंटर पूछ सकते आपने नहीं पूछा मैं चाहता हूं आप वो भी पूछें कि साहब विपक्षी दल के लोगों पे ही क्यों होती सब ये काउंटर सवाल आपका हो सकता है भाई दसों बीसों साल से सत्ता में जो थे तो दूसरे लोग तो सत्ता में ही नहीं थे वेन यू आर नॉट हैविंग ए पावर देन यू कान डू एनीथिंग जो लोग सत्ता में थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी अगर गलत किया है और जिन लोगों ने सत्ता में रह के गलत नहीं किया है उनके खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी गौरव जी की राजस्थान में कहा जाता है कि दामाद सर का ताज होते हैं। उदयपुर आपका ससुराल है मैं खुद भी उदयपुर से ताल्लुक रखती हूँ और ऐसे में ये कहा जा रहा है वहां पे चर्चाएं हो रही है कि दामाद जी को वहां की जनता ने वोटों से नहीं नवाजा इसलिए दामाद जी रूठ गए और उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया तो इस आप, बात में कितनी सच्चाये? मैंने तो आपको गर्व से एक बात कही कि मुझे जितना उन्होंने उदयपुर शहर वासियों ने प्यार दिया भूतों ना भविष्य मैं आगे का तो नहीं बोल सकता पर आज तक इतने वोट उदयपुर शहर के लोगों ने कांग्रेस को नहीं दिए जितना आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया और आगे की पांच इलेक्शन की गारंटी मेरी है कि आगे पांच इलेक्शन में भी वो इतने वोट कांग्रेस को कभी नहीं देंगे जितना आशीर्वाद उन्होंने मुझे दिया अब आप कहें कि दामाद आप मैं मेरी स्कूलिंग पाली से हुई और उदयपुर आप आपका जो जानकारी है बिल्कुल सही है मैं उसे स्वीकार करता हूँ और उस बात का मुझे गर्व है पर उदयपुर के लोगों से मेरी कोई एक रत्ती भर भी शिकायत नहीं है जितना मेरे को प्यार देना चाहिए था उन्होंने भर भर के थैलियाँ भर भर के मुझे वोट दिए हैं आशीर्वाद दिया है हाँ चुनाव में, में क्यों हारे उसके तीन रीजन जैसे मैंने आपको बताए पहला ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर उदयपुर में कांग्रेस पार्टी का अस्तित्व ही आपको मैं बड़ी बात नहीं कह रहा विचल पर इसको रिकॉर्ड पे रखना अभी लोकसभा में उदयपुर से कांग्रेस को कितने वोट मिले उसका और गौरव वल्लभ के वोट्स का कंपैरिजन कर लेना लेकिन आपको पता पड़ जाएगा कि गौरव वल्लभ को कितना बड़ा आशीर्वाद शहरवासियों ने दिया तकरीबन 65000 समथिंग का यह आंकड़ा रहा correct. है बिल्कुल लेकिन उसके बाद इतना प्यार इतना सम्मान इतनी मोहब्बत जो खुद आप स्वीकार कर रहे हैं इतनी सी बात पर इतनी, बेरुखी इतनी, बात, इतनी सी बात मतलब ये मेरे, परिवर्तन तो मेरे, के बाद ही हुआ मेरे इकोनॉमी में नहीं सनातन की गाली का मुद्दा मैं उठा रहा था ये सितंबर में जब पहली बार दो में गाली दी गई तब से उठा रहा था और भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाने का निर्णय तो जनवरी में किया ना क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा का न्योता ही जनवरी में मिला तो आपको हार और ये रिलेटेड लग रहे कोई हार, अगर हार से अगर घबरा था तो मेरे को तो बीस एक हजार इक्कीस हजार वोट मिले थे जमशेदपुर में फिर भी ताकत से लगा रहा ना पार्टी की सेवा में तो हार से नहीं घबरा रहा पर कुछ चीजें जैसे मैंने आपको कहा अनपार्डनेबल है अक्षम्य जिसको हिंदी में कहते हैं अनएक्सक्यूजेबल है अननेगोशियेबल है उसमें से तीन चीज़ें मैंने बता दी कि मैं लिबरलाइजेशन को उदारता को निजीकरण को उदारवाद को वैश्वीकरण को गाली नहीं दे सकता वेल्थ क्रिएटर्स को गाली नहीं दे सकता और उदयपुर शहरवासियों से जो भी मेरे को मिला मैं सच बोल रहा हूँ पूरे जीवन पर्यंत ऋणी रहूँगा उनके कॉन्फिडेंस का जो उन्होंने मेरे में दर्शाया और अभी चल इस, इस बात का रील बना के रखना ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है अभी जो कैंडिडेट वहां लोकसभा में लड़ रहा है उसको मुझे लगता है मेरा अनुमान है मेरे आधे वोट मिलेंगे जी लेकिन मान लीजिए गौरव जी आप वहां से जीत जाते तो भी आपका यही कदम होता हंड्रेड परसेंट विदाउट फेल क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ बयालीस पार्टियों वाली सांसदों वाली पार्टी को ज्वाइन किया तो कोई ल्यूक्रेट कोई सत्ता के लालच में नहीं किया मैम मैं मतलब जो लोग सत्ता में आके जो चीजें मिलती है मैं वो चीज़ें सब पीछे छोड़ के आया हूँ पैसा कमाना होता मैं जॉब में आज भी वापस मार्केट में अपना रिज्यूम फ्लोट करूँ ठीक ठाक जॉब मिल जाएगी मैम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा बिल्कुल मिलेगा तो अगर मैं जीत भी जाता ना तो भी ये तीन अनकम्प्रोमाइजेबल है इन तीन चीजों पर अपना स्टैंड वही रखता वही रखता जब आप आपने कहा सनातन का अपमान हुआ और कई का, का, महीनों से कांग्रेस में अपनी बातें कह रहा था उसके बाद जब मेरी नहीं सुनी गई तो मैं बीजेपी में आया तो मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे है कि पिछले कई सालों से आप कांग्रेस पार्टी में हैं तो ये सनातन वाली आत्मा इतनी देर से क्यों जागी आपकी आत्मा जागी नहीं आत्मा जागी भी थी सितंबर 2023 में पहली बार गालियां चालू हुई जनवरी 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई तो ऐसी क्या मजबूरी थी कि गौरव वल्लभ मीडिया के सामने ये आकर नहीं कह पाए कि मैं सनातन का अपमान की जब, जब नहीं तक पार्टी में है पार्टी के डिसिप्लिन के लिए हर क्षण तक काम करते रहे जो रहेंगे। कदम आपने अब उठाया है पार्टी छोड़कर वो आप पहले भी उठा सकते थे भाई मैं कह रहा हूँ की जब तक पार्टी में है क्योंकि जनवरी में ही हुआ ना प्राण प्रतिष्ठा का तो, बयान आता है तो पार्टी क्या करती है आपको छह साल के लिए निष्कासित करती है मैं ये है? कह रहा हूँ मैं जब तक पार्टी में हूँ पार्टी के डिसिप्लिन से बंधा मैं इनडिसिप्लिन सोल्जर लेकिन नहीं तब भी आपको लग रहा था कि गलत कर रही है मेरी पार्टी आपको लग रहा था कि नहीं। पे कांग्रेस में जवाब सितम्बर दो हजार तेबीस से मैं चेता रहा था गलत कर रही थी जनवरी दो हजार दो हजार जनवरी दो हजार चौबीस में ठुकराया गया और अडानी को जो सेबी से क्लीन चिट मिली वो दो हजार तेबीस में मिली जब से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है की राम मंदिर बनेगा तब से राजस्थान के जो पूर्व सीएम रहे अशोक गहलोत बार बार ये कहते रहे की ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं ये धर्म के नाम पे उस समय आपका बयान क्यों नहीं आया इस मुद्दे पर मैंने तो हमेशा कहा है मैंने कभी भी डिफेंड नहीं किया आप एक भी मेरा मैं, मैंने मैं आप, एक मैंने आपने ये नहीं कहा डिफेंड किया आपने उसका, उस बयान का विरोध भी नहीं किया नहीं, मैंने हमेशा ये कहा है कि मैं आप, आप उनके कंडेम ब... कर सकते हो विरोधियों के बारे में कुछ बोल सकते हो पर भगवान राम का अपमान नहीं कर सकते गौरव जी जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तब एक इंटरव्यू में आपने कहा था कि ये कहने को सनातनी है वो मंदिर तक नहीं जाते हैं बीजेपी को और हम लोग मंदिर भी जाते बीजेपी हैं बीजेपी के प्रत्याशी को प्रत्याशी को और हम लोग वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखते हैं ये ज़्यादा दिन की बात नहीं कुछ दिन पहले की बात है आपने कहा सितंबर से आपका मोह भंग होने लगा था तो उस समय ये वसुधैव कुटुम्बकम तो वाली ये बात जो स्टेटमेंट दिया जो आपने कोट किया उससे इतना फ़ायदा हुआ कि वो व्यक्ति भी मंदिर गए चुनाव के दौरान ही आपको पता है कि नहीं ये बात आगे की तो हमने तो आज वहां पे भी पॉजिटिव काम किया वहां पे भी अच्छा काम किया तो मैंने कोई पार्टी के लिए नहीं बोला था कोई पार्टी का उनका नेता सनातन को गाली नहीं दे रहा था प्रत्याशी के लिए कुछ बातें बोली थी और वो बातों पे मैं मैं अपने शब्द वापस नहीं ले रहा हूँ लेकिन कांग्रेस के लिए आपने बोला था कि हम तो मंदिर भी जाते हैं हम वसुधै कुटुम्बकम में विश्वास और वल्लभ तो जा रहा था नहीं हम बोले थे हम भी बोल रहा हूँ हम भी बोल जा रहे थे पर जब देश के सामने जब टेस्ट हुआ कि साहब आप आदरणीय फलाना जी आपको भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में देश के लोग भगवान राम ट्रस्ट आ, आ, आपको सादर आमंत्रित कर रहा है आप वापस जवाब देते हो वी विल नॉट गो तो ये तो टेस्ट तो अभी हुआ ना तो मैं तो मैं तो मैं यही तो, तो शुरू से कह रहा हूँ मैं तो इसी सोफे पे बैठा हूँ मैं तो शुरू से कह रहा था कि भगवान राम का अपमान मत करो और पॉलिटिकल कारण से नहीं बोल रहा था रिलीजियस पुण्य और पाप के कारण से बोल रहा था तो हम तो आज भी वहीं बैठे हैं ये जो लोग जो कहते थे गौरव जी हम आपके साथ बैठे हैं ये सनातन को गाली बोलने वालों के साथ बैठ गए मैं तो अभी भी उस सोफे पे हूँ गौरव जी सवाल और जवाब हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ते हैं जो पहले हमने कहा है वो भी आगे तक चले जाते हैं आपने अभी ईडी का जिक्र किया कि कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि ईडी का उन पर केस था इसलिए वो भाजपा में चले गए आपने वॉशिंग पाउडर का भी जिक्र किया कि कि गौरव को देख लो कि उसको तो किसी वॉशिंग मशीन की जरूरत नहीं थी आप ही का एक ट्वीट है सात जुलाई दो का बिल्कुल आप लिखते हैं सत्य है, है द्वेश हमला कर सकता है अज्ञानता इसका उपहास उड़ा सकती है इसके बाद लेकिन अंत में विजय सत्य की होती है भ्रष्टाचारी देश का पैसा लूटकर विदेश भाग गए और भ्रष्टाचार के जो भी आरोपी देश में बचे वे भाजपा के वॉशिंग पाउडर में धुलकर संस्कारी बन रहे हैं लेकिन याद रखना ये राहुल गांधी जी हैं अब राहुल गांधी जी बदल गए अब आप इसका बदल का पहला कारण आप बदल गए सर मैं तो वहीं बैठा हूं मैंने तो कहा सत्या काट्य आज भी कह रहा हूं सत्या काट्य है सत्य कभी नहीं बदलता मेरे को कई लोगों ने कहा साहब ये आपके पुराने ट्वीट मैंने कहा जीवन मरते दम तक रखूंगा एक भी ट्वीट को नहीं हटने दूंगा मरते दम तक मेरी टाइमलाइन में सारे ट्वीट रहेंगे क्योंकि ये जो ट्वीट किया ये ये जब किया जब ईडी को सेबी से जब क्लीन चिट मिल गई अडानी को उसके पहले का ट्वीट है उसके बाद का नहीं है फिर आपने कहा अकाट्य तो मैंने तो, तो अपने तीन रीजंस बताए मैं तो अपने तीन डिजाय मैंडेटरी कंडीशंस के कारण ही कांग्रेस से मैंने बाय बाय किया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली तीन रीजंस के कारण तो वो तीन इसमें हुए? मेरे तीन आज भी है। आ, पहले भी थे मैंने एक भी ट्वीट करा हो कि मैं सनातन धर्म के अपमान पे ताली बजाता हूं जय मैंने तो कभी नहीं किया मैंने तो वंदे मातरम जय सियाराम का ट्वीट सर किया। एक जिम्मेदार नेता के तौर पर एक जिम्मेदार व्यक्ति के तौर पर एक जिम्मेदार प्रोफेसर के तौर पर बिना अड़ानी की जांच हुए सेबी के द्वारा ये ट्वीट कर देना जो आप अरे मैंने तो उसके पहले कहा है ये हाँ सर आपने जांच से पहले पॉलिटिकल आदमी पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगा सकती है पर आपको कहीं चुप होना पड़ेगा ना यू हैव टू स्टॉप समवेयर अदरवाइज आप कभी भी आप एक चीज को पकड़ लो जीवन पर्यंत बोलते जाओ तो सर भाई ये... कोई जांच हो जाए मान लो आपने कहा गौरव जी चाय नहीं पीते तो मैंने आपके सामने पी ली अब आप कल से ये बोलना गौरव जी चाय पीते हैं तो आप आपको कहीं तो स्टॉप यही तो मैंने अपनी चिट्ठी में लिखा है और इसी दिशाहीनता का तो जिक्र किया है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा किस डायरेक्शन में जाए वही तो प्रॉब्लम आपने एग्जैक्टली exactly वही प्रॉब्लम इंगित कर दी जो मैं कहना चाहता था पिछले एक घंटे में यही कांग्रेस पार्टी की प्रॉब्लम है कि अभी कांग्रेस पार्टी का क्या रूटीन चल रहा है वो बता रहा हूं आपको गौरव वल्लभ को ट्रोल करो अरे आप बीजेपी से लड़ रहे हो कि गौरव वल्लभ से लड़ रहे हो गौरव वल्लभ ने तो किसी का नाम नहीं लिया पूरे इंटरव्यू में गौरव वल्लभ ने तो अपने इश्यूज बताए और आप जिस व्यक्ति को ट्रोल करना चाहती है कांग्रेस पार्टी वो व्यक्ति सोशल मीडिया पढ़ता ही नहीं है आप देखो मैं रोज करता हूं क्या ट्वीट आप देखो ना टाइम लाइन पांच दिन नहीं किया तो जरूरी थोड़ी है कि जबरदस्ती मैंने आज तक कोई ट्वीट किया हो ऐसा जिसमें एक एक होता है ना मैं बताऊं आपको आज जैसे दुर्गा अष्टमी तो माँ दुर्गा की फोटो वो इतनी सी और नेताजी की फ़ोटो इतनी बड़ी यानी किया क्या कभी मैंने अपनी फोटो लगाई क्या भगवान के कोई भी ट्वीट में भगवान का जब कोई मैं आशीर्वाद के लिए कामना करता हूँ कोई भी चीज़ लगाई क्या तो मैं नहीं बदलाऊँ साहब मैं वहीं खड़ा हूँ बस मेरा एक आखिरी सवाल आपसे कैंपेन चल रहा है सभी पार्टियों का उदयपुर में भी चुनाव हो रहा है लोकसभा का चुनाव है तो क्या आप जाएंगे उदयपुर में के डिसिप्लिन आदमी हूँ भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप कहेगी मैं वहां जरूर जाऊंगा मैं अपने मन से ये करने से ये अर्जित कर लूंगा ये सब नहीं करूंगा जैसा किसानों के साथ बर्ताव किया जा रहा था अभी अब पंजाब से किसान आ रहे थे बड़े बड़े बैरिकेड लगा दिए सारी जगह ब्लॉक कर दी गई क्या वो सही था उनके ऊपर आंसू गैस के गोले चलाए गए गोलियां मारी गई एक ग्रुप ऑफ पीपल जो और वो भी इम्पोर्टेंट है मैं उनको इिलेवेंट नहीं मानता हूँ वो भी इम्पोर्टेंट पर ग्रुप ऑफ पीपुल वो वॉन्ट्स टू डिस्टर्ब द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो उनको स्टॉप तो कहीं पे करना ही पड़ेगा आपको शासन प्रशासन चल हाँ उनकी जो बातें हैं उनकी जो डिमांड्स हैं उनके बारे में सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करने की बात तो तब होगी ना अगर वो कुछ हल्ला करे वो तो पहुंचे भी नहीं उनको रामलीला मैदान में, में जाना नहीं था अभी ऋतु करना आपको भी पता है कि उन्होंने काउंटर फायरिंग करी है कई जगह पे वो, और उन, उन्होंने नहीं करी वो किसान नहीं थे उनके बीच में कुछ उपद्रव भी घुस गए थे जो किसान जो जो ओरिजिनल किसान लोग थे उन्होंने किसी भी तरह का लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का वो किसान नहीं कर सकता पर उनके जो डिमांड्स हैं उनके इश्यूज़ हैं उनके बारे में सरकार और अभी आपने देखा होगा जो मैनिफेस्टो भी आया है उसमें मोदी की गारंटी अन्नदाताओं के लिए एक अलग से स्पेसिफिक चैप्टर आया उसमें यह भी कहा गया है कि हम जो किसान सम्मान निधि है उसको कैरी ऑन करेंगे उसमें यह भी कहा गया है कि हम एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग को में बड़ा इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा करेंगे उसमें यह भी कहा गया है कि हम जो बिचौलिए हैं जो किसान के आउटपुट का ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट खाते हैं उन बिचौलियों को रोकेंगे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है तीन सीटें बीजेपी के लिए और चार सीटें एन के लिए क्योंकि आप डेटा पर भी बड़ी नजर रखते हैं आपको लग रहा है कि ये ऐसा हो जाए क्योंकि अभी भी हम देखते हैं कि बीजेपी अपने सेचुरेशन पर देखिए मैं आपको दो स्टेट का बताता हूँ क्योंकि जिसकी मुझे जानकारी जी पूरे हिंदुस्तान का डेटा मेरे पास नहीं है पर दो स्टेट्स की ग्राउंड तक की मेरे पास एक्सेस है मैं दो स्टेट का बताता हूँ राजस्थान और झारखंड राजस्थान और झारखंड दोनों स्टेट्स में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी प्लीज़ रिकॉर्ड दिस स्टेट और अगर हम कांग्रेस की ओवरऑल बात करें मेरे को जो चीज़ों का मैं क्यों बोलूँगा okay. ओवरऑल मेरे पास तमिलनाडु का डाटा ही नहीं केरल का डाटा ही नहीं आंध्रा का डाटा ही नहीं है गुजरात का जब डाटा होगा तो मैं बोलूँगा दो स्टेट की मेरी डेली ग्राउंड लेवल तक कार्यकर्ताओं से मेरी पहुँच है लोग हैं मेरे खुद के दोस्त हैं जो मुझे फीडबैक देते रहते हैं इन दो स्टेट में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिलेगी राजस्थान और झारखंड में आपकी कैलाज मिश्र से कोई मुलाकात हुई उसके बाद कुछ चेंज हुआ कि साहब की बीजेपी में आ जाते हैं कलराज कलराज मिश्र जो इस समय राजस्थान के इससे कोई मुलाकात नहीं कहीं ना कहीं ये बात आती रहती है कि उनसे अब वो तो कई लोग हैं ना वो कह रहे हैं कि साहब मोदी जी से मोदी जी ने उनको अरे मैं छोटा आदमी हूँ भाई अब आप, आप उस अफवाह मार्केट का तो कुछ भी नहीं आप अभी पाँच जने बैठ के कुछ भी अफवाह चालू कर दो तो वो भी न्यूज़ बन जाएगी मेरी किसी से कोई मुलाकात कलराज मिश्र से तो मैं आज तक नहीं मिला वो आई हैड नेवर मेट इन माई लाइफ ऑनरेबल गवर्नर ऑफ राजस्थान तो आपको अगर जानकारी हो तो उनको बोलना कि गौरव जी ने आपको प्रणाम बोला जी जी बिल्कुल आपका मंच पर एक्सपीरियंस कैसा रहा आप बता दीजिए बहुत अच्छा निर्म, रहा निर्मम मौके बता सकते हैं नहीं अच्छा बहुत अच्छा रहा और जैसा मुझे आशा थी कि पत्रकार लोग इतने सारे होंगे तो वो कोई रेड कारपेट बिछा के तो मेरा आरती उतारने तो बैठे हुए नहीं हैं तो आपने मेरे से जो आपने मींस आप जो जनता से सुनते हो आपने वो सवाल पूछे और मुझे अच्छा लगा मैं आज आपके समक्ष उपस्थित हुआ तो मैं एक टीवी डिबेट में नहीं हुआ आप बाकी जो आपके इश्यूज़ हैं मैं उसको नाजायज़ गलत भी नहीं बोलता हूँ स्वीकार करता हूँ सर uh, आप आए और आपने प्रोफेसर साहब इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद